एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल तो आज है मेरा पहला ब्लॉग आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे uh, आज हम लोग जाएंगे सेंट्रल मॉल क्योंकि आज है थर्टी एथ ऑफ नवम्बर और थर्ड दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है तो आज हम uh, अपने बर्थडे के शॉपिंग के लिए जाएंगे कुछ चीज़ें लेनी है ठंड के कपड़े लेने हैं नो आई नो कि कोविड का टाइम है बट फिर भी कुछ चीज़ें इसेंशियल में आती है और ये अभी तो मेरे पास ठंड के एक भी कपड़े नहीं बचे हुए तो लेना ज़रूरी हो गया था ऐसे हम हमेशा अपने घर के पास वाले भैया से ही ख़रीदते हैं बट कुछ दिन से उनकी शॉप ही बंद है पता नहीं क्यों तो हम और मेरी मम्मी जाएंगे सेंट्रल मॉल पटना सेंट्रल मॉल जो कि फ्रेज़र रोड में है जो भी पटना के हैं उन्हें पता होगा कि पटना सेंट्रल मॉल कहाँ है और कितना बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन है तो सिर्फ कपड़े नहीं लेने हैं कुछ वीडियो के लिए भी सामान लेना है तो आज हम सोचें कि चलो व्लॉग बनाने का ट्राई करते हैं मेरे कोई एक्सपीरियंस है नहीं व्लॉगिंग का या किसी भी तरह का कैमरा हैंडलिंग का तो आई एम नॉट श्योर कि ये व्लॉग कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं क्योंकि मेरे पास शूट करने वाला कोई नहीं है मेरी मम्मी मेरे साथ जाएंगी लेकिन उन्हें कैमरा उतने अच्छे से हैंडल करना आता नहीं वो हिला देंगी <laughs> तो जितना शूट हो पाएगा उतना करेंगे और हाँ हम लोग अपने सारे प्रिकॉशन ले जा रहे हैं ये रहा ये मेरा सैनिटाइज़र और ये मेरा मास्क तो हम लोग भाई सारे प्रिकॉशन के साथ ही निकलेंगे और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी घर से निकले तो सारे प्रिकॉशन के साथ ही निकलिए क्योंकि डेफिनेटली इकोनॉमी तो चलती ही रहेगी अब बंद होने का सवाल नहीं है इसी प्रिकॉशन के साथ हम लोग को आगे निकलना है काम नहीं रुक सकता है लेकिन जब भी निकले तो अपना प्रिकॉशन ले निकले हमेशा अपना सैनिटाइज़र और मास्क अपने साथ रखिएगा तो चलिए चलते हैं और रास्ता आपको दिखाते हुए चलेंगे जितना शूट हो सकेगा उतना करने का कोशिश करेंगे ना ही होप कि ब्लॉग पूरी तरह से बन जाए तो चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं आपको रास्ते में तो अभी आ गए हैं हम लोग मॉल में आप देख सकते हैं ये है पटना सेंट्रल मॉल और रास्ता हम दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और हम शूट करना ही भूल गए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से हम लोग किसी तरह हिलते डुलते आए हैं और अभी अंदर चलेंगे तो ये है मॉल का ग्राउंड फ्लोर और ये है मेरी मम्मी ये जो एडी आपको सामने दिख रही है तो मॉल में हम बड़ा छिपा छिपा के शूटिंग कर रहे थे क्योंकि अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग बट थैंकफुली मेरी थोड़ी सी शूटिंग हो गई तो यहाँ जनरली कॉस्मेटिक्स और इंडियन वेयर ही आपको मिलेगा और ये देखिए इंडियन वेयर का सेक्शन है ग्राउंड फ्लोर पर ही है जो भी पटना में रहते हैं और सेंट्रल मॉल गए हैं उन्हें ज़रूर पता होगा और ये जो कुर्ता है ना इक्कथ प्रिंट वाला ब्लू कुर्ता ये ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था Uh, काफ़ी अच्छा फैब्रिक भी था बट आपको हॉल में बताएंगे कि क्या क्या खरीदे और क्या नहीं ख़रीदें अभी नहीं बताएंगे तो चलिए बढ़ते हैं अगर यहाँ पे हम ट्रायल ले रहे हैं कुछ चीज़ों का ये जीन्स और ये जैकेट ये ट्रायल रूम में और ये टॉप मेरा अपना ही हम ख़रीदे नहीं है घर का ही था पैन पुराना टॉप है तो ये देखिए और ये देखिए मेरे हाथ पे लिपस्टिक के स्वाचेस भी लगे हुए हैं ढेर सारे लिपस्टिक के स्वाचेस तो ये है वो जीन्स और कुछ और जीन्स अभी आपको दिखेंगे एक ये है ट्रा, ट्रायल में पसंद आ भी रहा था और नहीं भी एक्चुअली एक जीन्स इतना पसंद आया बट वो साइज़ में ही अवेलेबल नहीं था लिख तो रहा था मेरा साइज़ बट मुझे बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा था तो कभी कभी होता है ना पसंद आ जाए बट ले नहीं पाते तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है तो ये देखिए ये दूसरा ट्रायल ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था लेकिन क्या लिए और कौन कौन सा लिए ये आपको बताएंगे नहीं अभी बाद में बताएंगे एक हॉल आएगा आप लोगों के पास ओके गाइस वेलकम बैक तो हम लोग अभी लौट कर आए हैं और अभी पाँच से ज़्यादा आई थिंक फाइव थर्टी हो रहा है इतना ट्रैफिक रास्ते में इतना ट्रैफिक कि कुछ छूट ही नहीं हो पाया कहाँ कहाँ से गली गली से निकल निकल के हम लोग ऐसे अनजान रास्तों से आज घर लौटे हैं और इनफैक्ट मॉल तक भी गए विच आई कॉन्ट एक्सप्लेन तो रास्ते में कुछ शूट नहीं हो पाया मॉल में थोड़ा सा ट्राइवल करते वक्त हम शूट किए तो ये बिल्कुल भी लंबा बहुत लंबा चौड़ा व्लॉग होगा नहीं बहुत छोटा सा टाइनी माइनी सा शॉपिंग व्लॉग है हाँ लेकिन जो भी शॉपिंग हॉल हुआ है उसका एक हॉल आपके पास ज़रूर आएगा अभी नहीं थोड़े वक्त के बाद तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है एंड पूरा अंधेरा हो चुका है ठंड के मौसम में पाँच साढ़े पाँच बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है ना कि और जल्दी भी लौटना था क्योंकि हम लोगों ने हमारे स्वेटर्स नहीं पहने थे हम लोग यही पहन के चले गए थे तो फिर ठंड ज़्यादा लगने लगती बिलिंग काउंटर पर तो अकॉर्डिंग तो उन लोगों को समझ नहीं आता है कि सिर्फ़ एक ही सिर्फ़ एक ही बिलिंग काउंटर ओपन था बाकी तीन चार बिलिंग काउंटर ऑफ थे सारी की लाइन एक जगह लगी हुई कमर दुक गया खड़े रह रहे पता नहीं जब इतने सारे बिलिंग काउंटर बना के क्यों रखे हुए हैं जब ऑन ही नहीं करना होता है ओपन ही नहीं करना होता है तो हाँ तो एक सेकेंड हम आपको अपना शॉपिंग बैग दिखाते हैं तो ये है मेरा शॉपिंग बैग ये बड़ा सा बैग है और मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली हुई है आ, बहुत खर्चा कर ली करवा लिया आज अपनी मम्मी का बट चलो बहुत टाइम से कुछ मेरे तो जीन्स वगैरह सब का सबका वॉट लगा हुआ था एक भी नहीं था एंड भाई मेरा बर्थडे आ रहा है तो इतना तो बनता था लेकिन ये मतलब बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी शॉपिंग हो गई कुछ चीज़ें नहीं मिली और एक दो चीज़ हम सोच के गए थे जो रास्ते में याद आया कि हम खरीदना ही भूल गए तो एक दो चीज़ें मिस हो गई हैं बट जो बेसिक चीज़ के लिए हम गए थे ना जो बेसिक सामान था वो मिल गया है तो क्या क्या लिए हैं क्या क्या मिला है ये आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक हॉल वीडियो भी आएगा तो तब तक के लिए स्टे ट्यून बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ़ स्टे इनडोर्स एंड जब भी आप बाहर निकले मास्क और सैनिटाइज़र के साथ निकलिएगा क्योंकि सब कुछ ओपन हो चुका है बहुत भीड़ है रास्तों में अगर एक को भी कोरोना है तो वो हज़ारों को पटा देगा हज़ारों को इन्फेक्ट कर सकता है सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या एल्डरली एल्डरली पीपल हैं तो प्लीज़ uh, यू ही बाहर जाने से थोड़ा बचिए मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है तो आई टुक द रिस्क अदरवाइज़ आई वुडेंट हैव गॉन चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप बताइएगा आपको मेरा ये छोटा सा अधूरा सा व्लॉग कैसा लगा <laughs> हम सीरियसली भूलिए गए कि हमको रास्ता भी थोड़ा सा दिखा देना चाहिए था हम आपको अपनी मम्मी नहीं एक वीडियो में शायद आपको मेरी मम्मी दिख जाएंगी तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट मेरे पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर्स जाने लगे हैं आजकल अगर मतलब वो लोग सब्सक्राइब करके फिर से अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं तो दो चार दिन से मेरा मूड बड़ा ऑफ था सिक्सटी भी नहीं पहुंच पा रहा है पता नहीं हंड्रेड होने में कितना टाइम लगेगा एंड वीडियोज शूट करने में बहुत टाइम लगता है गाइज़ ऐसा नहीं है कि तुरंत तो ही शूट हो जाता है और मेरे पास कोई लाइटिंग सेटअप नहीं है कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है कोई बहुत लंबा चौड़ा सा कैमरा नहीं है मेरे फ़ोन के कैमरा से सब कुछ शूट होता है अभी भी फ़ोन के ही कैमरा से हो रहा है तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आता है काम तो ऐसे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करिए एंड uh, हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करिए सपोर्ट करिए लाइक करिए कमेंट करिए और बताइए कमेंट में कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा आई विल ट्राई टू वर्क ऑन ऑल दोज एस्पेक्ट्स टिल देन बाय बाय टेक केयर